अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आज़रोइड और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे अपने आईफोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप लोग अपनी आईफोन की रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सी आज पांच ऐसी ट्रिक्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोग अपनी मोबाइल आईफोन को फास्ट कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो रैम है उसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि काम कैसे करना है। बहुत ही सिंपल से पांच तरीके हैं जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर वन पे हमारे पास बहुत ही सिंपल सी एक ट्विक है जिसकी वजह से आप लोग रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो है कि आप लोगों का जो पावर बटन है आईफोन का, आप लोग उसे दबा के रखें थोड़ी देर के लिए, और जब तक आप लोग अपना जो पावर की है उसे दबा के रखें जब तक आपके सामने स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन ना आ जाए। जैसे ही आप लोगों के पास स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने सिंपली जो होम बटन है टच आईडी है उसे 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। जैसे ही आप लोग दबा के रखेंगे तो ये एकदम ब्लिंक कर जाएगा, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने एकदम ब्लिंक होगा और आप लोगों के सामने आईफोन आ जाएगा। तो आप लोग की अब जो रैम है आपकी स्पीड वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। नंबर टू पे है मेरे पास कि आप लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं, अपनी रैम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप लोग के पास जो भी आईफोन है लाइक उसमें जो भी उनकी अपनी ऐप्स हैं लाइक ऐप स्टोर हो गया या कोई आईट्यून्स हो गया, उनकी जो अपनी पर्सनल ऐप्स हैं जो कि उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, तो आप लोग किसी भी ऐप में जाएँ लाइक ऐप स्टोर में जाते हैं तो आप लोगों को नीचे कुछ बटन नज़र आते हैं ऑप्शन लाइक फेवरेट्स और सर्च एक्सेट्रा आप लोगों को नज़र आता है। तो जिस भी ऐप में ये हैं उसमें आप लोग ये काम कर सकते हैं। ये बहुत एक किस बहुत काफ़ी लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, तो आप लोग यहाँ पर आके किसी भी बटन के ऊपर प्रेस करते रहें, तेज़ी से प्रेस करें। जैसे आप लोग प्रेस करेंगे तो आपका जो ऐप स्टोर है वो रिफ्रेश हो जाएगा और सारे जो कैशे हैं वो रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा, और आपका जो इनकी मोबाइल है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। नंबर थ्री पे है मेरे पास, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है आईफोन में। आप लोगों को सिंपली अपनी जो आईफोन की रैम इंक्रीज करने के लिए सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को अपनी जो मैसेजेस ऐप है आप लोगों को सिंपली इस मैसेजेस को फाइंड करना है, और इस पर जाकर आप लोगों ने सिंपली ये जो कीप मैसेजेस है इसके अंदर जाना है। कीप मैसेजेस में आप लोग जाएं, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को फाइंड आप लोग कर सकते हैं मैसेज ऑप्शन में। आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, फिर 30 डेज, 1 ईयर और 4 एवर। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, 30 डेज़ के ऊपर क्लिक कर देना है अपने मैसेजेस, कीप मैसेजेस को 30 डेज़ के बाद आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो डिलीट हो जाएंगे, या फिर अगर आप लोग 1 ईयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, 4 एवर भी आप लोग की मर्ज़ी है। बट अगर आप लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं रैम तो आप लोग को 30 डेज़ कर देना चाहिए। इसकी मदद से आप लोग का जो इंक्रीज मोबाइल है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और आप लोग की ज़्यादा स्पेस बच जाएगी। तो एक और जो फोर्थ नंबर पे है आप लोग की रैम इंक्रीज़ करने का तरीका, वो सिंपली आप लोग को सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग सिंपली स्क्रॉल डाउन करें और आप लोग यहाँ जनरल में जाएं। जनरल में जाने के बाद आप लोग को एक्सेसिबिलिटी में जाएं और यहाँ सर आप लोग सिंपली ये जो रिड्यूस मोशन आप लोग को नज़र आ रहा है, रिड्यूस मोशन के अंदर जाएं, इस पर क्लिक करें और इसे ऑन कर दें। ये एक्चुअली iOS 7 के बाद आईफोन ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये पैरेलैक्स इफेक्ट्स हैं एक्सेट्रा जो एनिमेशन वगैरह है, तो अगर आप लोग इसे ऑन कर देंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी जो स्पीड आप लोग देख सकते हैं वो क्विक हो जाएगी थोड़ी आईफोन की, और आप लोग को बहुत जल्दी से आप लोग ऐप्स ओपन होंगी और इस तरह के काम जो भी आप लोग की रैम इंक्रीज़ हो जाएगी और आप लोग को जो आईफोन है वो ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा। नंबर फाइव पे मेरे पास है एक लास्ट जो है वो आप लोग को ऐप स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, MEM रिफ्रेश नाम है उसका, आप लोग सिंपली उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं ओपन करता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। जब भी मैंने रैम इंक्रीज़ करनी होती तो मैं इस तरीके से करता हूँ। आप लोग के सामने सारा डाटा आ रहा है लाइक रैम आप लोग की इतनी यूज़ हो रही है, आप लोग का जो CPU है वो इतने परसेंट यूज़ हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आईफोन की 3 GB रैम है तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं 50% यूज़ हो रही है इस टाइम, और CPU भी ऑलमोस्ट 28-30% यूज़ हो रहा है। तो इस ऐप की मदद से आप लोग सिंपली जो है अपनी जो कैशे हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आप लोग सिंपली जब रिफ्रेश मेमोरी पर क्लिक करें और ये आप लोग रिफ्रेश कर देगा सब कुछ, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा आप लोग की रैम के ऊपर। लाइक 1700 के करीब यूज़ हो रही थी तो अब आप लोग के सामने सिर्फ 800 रह गई है जो कि यूज़ हो रही है, और उसने क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट 891 MB को। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है रैम इंक्रीज़ करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आईफोन को। आप लोग जब भी ज़रूरत हो अपनी रैम एकदम बूस्ट देने के लिए तो आप लोग इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली रिफ्रेश करें और आपकी जो रैम है वो वापस 700-800 पे आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है रैम को इंक्रीज़ करने का अपनी आईफोन। तो ये थी छोटी सी वीडियो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आप लोग अपनी रैम आईफोन की। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग तक हमारी लेटेस्ट जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पहुँचते रहें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग तक पहुँचते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।